मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के जमुनिया खेजड़ा में वेलस्पन ग्रुप की आधुनिकतम निर्माण सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस उद्योग से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार एवं आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल बढ़ रहा है। शिवराज ने कहा कि वेलस्पन ग्रुप भारत में सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक समूह में से एक है। सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अथक प्रयास किए हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। निवेशक प्रदेश के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सरकार ने निवेश की नीतियों में बदलाव कर उन्हें उद्योग एवं निवेश के प्रति अनुकूल बनाया है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी सूची में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने गत वर्ष में 3 पायदान की छलांग लगाकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में रोड नेटवर्क होने के साथ ही अन्य राज्यों के बड़े महानगरों से जुड़ाव है। प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए पावर कास्ट को कम करने के लिए कटिबद्ध है। लॉकडाउन के दौरान फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, उपभोक्ता वस्तु एवं पैकेजिंग जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की इकाई को चालू रखा गया। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया है। वेलस्पन ग्रुप जो देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ग्रुप है, दुनिया के 35 देशों में जो अपने निर्यात को, जो अपने उत्पाद को निर्यात करता है, उन्होंने ये फैक्ट्री यहाँ पे लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है पाइप बनाने की। और मुझे खुशी है कि 2018 के अंत में आपके साथ बात हुई थी, हमने निमंत्रण दिया था कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मध्य प्रदेश में भी रायसेन जिले में मंडीदीप में काफी इंडस्ट्री थी, तो मैंने कहा कि नहीं, इस तरफ आइए। तो एक दूसरी लोकेशन है रायसेन की, जहाँ इंडस्ट्री आना शुरू हुई है। आपके साथ और भी इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही है, आप देख रहे हैं, और बहुत जल्दी ये इलाका एक इंडस्ट्रियल स्टेट में परिवर्तित होगा। लगभग 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 300 लोगों को डायरेक्ट रोजगार है, 1000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी शुरुआत है। एक अभियान है नौजवानों को रोजगार का, और एक और खुशी है कि उसमें बेटियों को भी रोजगार, यहाँ बड़ी संख्या में बेटियां भी काम कर रही हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बेटों के साथ बेटियां भी, क्योंकि मध्य प्रदेश हमने ये तो तय कर दिया कि जैसे बेटे काम करते हैं, अगर बेटियां भी चाहें तो 3 शिफ्ट में, 3 पारियों में काम कर सकती हैं, वो अलाउ किया है हमने। तो बेटों को, बेटियों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इसमें ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। मैं ग्रुप को बधाई देता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।